हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इनोवेशन। आज हम डिस्कस करें करंट अफेयर्स और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। WHO ने साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए रीजनल डायरेक्टर किसे फिर से चुन लिया है? साउथ ईस्ट एशियन रीजन के लिए WHO ने किसे दोबारा से नियुक्त किया है रीजनल डायरेक्टर? तो ये चुना गए हैं डॉक्टर पूनम खेत्रपाल। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को WHO ने री इलेक्ट किया है साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए। ये जो आप फोटो में देख रहे हैं, ये हैं डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह। ये पहले भी रीजनल डायरेक्टर थी, अब दोबारा से चुन ली गई हैं। ये जो WHO रीजनल ग्रुप है, ये 11 कंट्रीज़ का एक रीजनल ग्रुप है जो कि WHO एक रीजनल डायरेक्टर नियुक्त करता है। ये 11 कंट्रीज़ कौन कौन सी है ये भी एक बार देख लेते हैं। 11 कंट्रीज़ हैं इंडिया, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ते और कोरिया। ये 11 देशों का समूह है जिसमें एक रीजनल डायरेक्टर चुना जाता है। ये दोबारा से चुनी गई हैं पूनम खेत्रपाल सिंह। हाल ही में सिल्क मार्क एक्सपो किस राज्य में आयोजित किया गया? तो सिल्क मार्क एक्सपो आयोजित किया गया है असम में। असम सही आंसर हो गया सी, और असम में गुवाहाटी में ये आयोजन किया गया है। अब सिल्क मार्क क्या होता है? सिल्क मार्क एक सर्टिफिकेशन है जो कि प्योर सिल्क से बने वस्तुओं का दिया जाता है। ये सर्टिफिकेशन देता है सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, और ये ऑर्गेनाइजेशन आता है सेंट्रल सिल्क बोर्ड के अंतर्गत। सेंट्रल सिल्क बोर्ड के अंतर्गत ये ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिल्क मार्क एक्सपो करवाता है और सिल्क प्रोडक्ट्स, प्योर सिल्क से बने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए काम करता है। और असम की बात आई है तो असम में दो तरह के सिल्क बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और उसमें से एक सिल्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो असम के लिए यूनिक है, उसे कहते हैं मूगा सिल्क। मूगा सिल्क यूनिक है जो केवल और केवल असम में पाया जाता है। इसके अलावा एरी सिल्क भी काफ़ी मात्रा में काफ़ी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एरी और मूगा सिल्क को प्रमोट करने के लिए ये एक्सपो आयोजित की गई। केंद्र सरकार ने खादी के कारीगरों का वेतन कितना प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दी है? ये प्रतिशत है 36%। तो सही आंसर है सी 36%। सेंट्रल गवर्नमेंट ने खादी के कारीगरों का 36% प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दी है, और ये प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजा था खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने। खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, ये कमीशन MSME इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है और ये खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने का काम करता है। इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि इस कमीशन की स्थापना जो हुई थी 1956 में एक पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू हुई थी, और ये एक वैधानिक बॉडी है, इसका हेड ऑफिस है मुंबई में। टाइफून जेबी ने हाल ही में कौन से देश में काफ़ी बर्बादी मचाई? टाइफून जेबी कहाँ आया है? ये आया है जापान में। तो सही आंसर हो गया बी जापान। जापान में टाइफून जेबी आया है जिसने काफ़ी बर्बादी की है। अब जापान के वो भी देख लेते हैं। जापान की लोकेशन, जापान ये आप देख सकते हैं, जापान है पैसिफिक ओशियन में, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, एक आइलैंड नेशन है। इसकी कैपिटल है टोक्यो, और अगर हम बात करें जापान के जो मेजर आइलैंड है वो चार आइलैंड बोलते हैं। चार आइलैंड में अगर हम सीक्वेंस से देखेंगे नॉर्थ से लेके साउथ तक, नॉर्थ में पड़ता है होकेडू, फिर होन्सू, फिर सीकोकू और क्यूसू, और ये यहाँ पर है ओकिनावा। तो ये आइलैंड है चार, और ये पाँचवा आइलैंड, ये जापान के आइलैंड है। इसमें सबसे बड़ा आइलैंड है होन्सू, होन्सू सबसे बड़ा आइलैंड है। इसकी कैपिटल हुई टोक्यो जो कि होन्सू आइलैंड पे ही है। जापान में गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है और एक मोनार्क एक एम्पायरर होता है, और यहाँ के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हैं सिंजो अबे। इंटरनेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? इंटरनेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट हुई नेपाल में, नेपाल। तो सही आंसर हो गया बी नेपाल, और ये हुई नेपाल में कहाँ पे? काठमांडू में। तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू में ये समिट आयोजित की गई। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं नेपाल में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट, ये हुई थी 3 सितंबर से 5 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया है, और इसकी थीम थी इक्वालिटी बिगेंस विथ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इक्वालिटी बिगेंस विथ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। यहाँ पर काफ़ी सारे फील्ड से वुमेन, जो रिप्रेजेंटेटिव वुमेन है वो आई, और उन्होंने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डिफरेंट फील्ड्स में कैसे प्रमोट की जा सकती है उसके लिए डिस्कशन हुआ और इंटरेक्शन हुआ उनका। ISS वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता? ISS वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है सौरभ चौधरी ने,
और ओम प्रकाश मिठरवाल ने, ये दोनों आंसर सही हैं। तो सही आंसर हो गया सी दोनों। सौरभ चौधरी ने अभी आज ही ISS वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, और ओम प्रकाश मिठरवाल पहले जीत चुके हैं, तो ये दोनों गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और सौरभ चौधरी ने अभी, मैंने जैसे पहले भी बताया, एशियन गेम्स 2018 में भी गोल्ड मेडल जीता था। ये 16 साल के हैं और 10 मीटर की रेंज में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो एशियन गेम्स में भी इन्होंने जीता, ISS में भी आज जीता, और ओम प्रकाश मिठरवाल भी जीत चुके हैं। तो ये दो, इसका आंसर हो गया सी। ये देखिए, ये हैं सौरभ चौधरी और ये ओम प्रकाश मिठरवाल। किन दो भारतीय शूटर का नाम ओलंपिक 2020 के लिए तय हो चुका है? भारत के दो शूटर जिनका नाम तय हो गया ओलंपिक 2020 के लिए, ये हैं अंजुम मुदगल और अपूर्वी चंदेला। तो सही आंसर, ये दोनों आंसर सही है, ए और बी दोनों, अंजुम मुदगल और अपूर्वी चंदेला। या फोटो में देख सकते हैं, अंजुम मुदगल और अपूर्वी चंदेला, इन दोनों का ISS चैंपियनशिप के बाद इनका नाम फाइनल हुआ। इसमें अंजुमन मुदगल ने सिल्वर मेडल जीता है और अपूर्वी चंदेला फोर्थ रही इस टूर्नामेंट में, इस इवेंट में फोर्थ रही, और इन दोनों का ओलंपिक में जाना तय हो गया। SAFF कप 2018 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अब ये SAFF कप क्या है? SAFF का फुल फॉर्म है साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन कप। ये फुटबॉल टूर्नामेंट है, फुटबॉल, ये फुटबॉल टूर्नामेंट है जो साउथ एशिया रीजन के देशों द्वारा किया जाता है, और इस बार इसका आयोजन होने जा रहा है बांग्लादेश में। सी बांग्लादेश। और बांग्लादेश में आज ही भारत और श्रीलंका का पहला मैच खेला जाएगा ढाका में। एशियन गेम्स 2018 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब किसे दिया गया? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब मिला है जापान के प्लेयर को। तो सही आंसर हो गया बी जापान। जापान की प्लेयर एक स्विमर हैं जिनको ये खिताब दिया गया है, और इनका नाम है रिकाको इकी, रिकाको इकी, ये जापान के स्विमर हैं। ये आप फोटो में देख सकते हैं, इनको ये खिताब दिया गया है, और इन्होंने एशियन गेम्स में 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। 6 गोल्ड मेडल एक ही प्लेयर ने जीते हैं, इसलिए इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द एशियन गेम्स 2018 का खिताब दिया गया है, और ये स्विमर है। हाल ही में रिलीज किताब फियर किसने लिखी है? फियर बुक लिखी है बॉब वुडवर्ड ने। तो सही आंसर हो गया इसका बी बॉब वुडवर्ड। बॉब वुडवर्ड ने यह बुक लिखी है डोनाल्ड ट्रंप और इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ये आप देख सकते हैं फोटो में, बॉब वुडवर्ड और फियर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, और इन्होंने काफ़ी क्रिटिकल लैंग्वेज का यूज़ किया है, इसीलिए भी ये बुक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है आजकल। तो ये थे आज के क्वेश्चन, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जब भी सब्सक्राइब करें प्रेस करें बेल बटन को, ताकि हमारे डेली करंट अफेयर्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।